ये जो है आज का करंट अफेयर्स वाले सेक्शन का सेकंड लास्ट क्लास है। इसके बाद एक लेक्चर और होने वाला है जिसमें करंट अफेयर्स के जो नवंबर से लेकर जनवरी तक की चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सेकंड लास्ट लेक्चर होने वाला है और मैं जो है आप लोग को कुछ और इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स होगा करंट अफेयर से रिलेटेड, तो वो चीज मैं प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में। बाकी जो है क्लास के हिसाब से ये करंट अफेयर्स का सेकंड लास्ट क्लास है, एक लेक्चर और होने वाला है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो रिसेंटली जो है महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है, ठीक है, उस औरंगाबाद को नाम को बदल करके संभाजी नगर नाम रख दिया गया है। ठीक है, तो अब औरंगाबाद को किस नाम से जाना जाएगा। महाराष्ट्र का जो राज्य का औरंगाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है, अब उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बेसिकली कुछ अलग अलग रीजंस थे जिसकी वजह से जो है इसको नाम बदल करके अब संभाजी नगर रख दिया है। ठीक है, संभाजी बेसिकली जो है छत्रपति जो शिवाजी महाराज थे उनके सबसे बड़े बेटे थे, उनके नाम पर जो है इसको संभाजी नगर अब रखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव ठाकरे ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। तो रिसेंटली महाराष्ट्र में जो है राजनीतिक उथल पुथल हुई और जिसकी वजह से जो है महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर थे, तत्कालीन चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, उन्होंने जो है यहाँ से रिजाइन कर दिया। एज ए चीफ मिनिस्टर जो पोस्ट में थे वो, उससे जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो वर्तमान में फिलहाल जो है चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के कौन है। एकनाथ शिंदे, अब ये वर्तमान में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, अगर गवर्नर की बात करें तो फिलहाल जो है महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। तो ये अगर आप लोग न्यूज सुनते हो तो उसमें आप लोगों ने ये न्यूज बड़ा गर्म रहा, भाजपा में जो है कुछ विधायक जो है शिवसेना के जो है वो शामिल हो गए और उसके बाद में जो है भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी और 106 विधायकों के साथ में जो है बीजेपी ने जो है गवर्नमेंट बना लिया महाराष्ट्र में और सीएम किसको चुना, एकनाथ शिंदे को। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पे मिसेज इनवर्स डिवाइन, यहाँ पे डिवाइन शब्द का यूज किया गया है और मिसेज इनवर्स डिवाइन, मिसेज इनवर्स अलग चीज है, मिसेज इनवर्स डिवाइन अलग चीज है। तो मिसेज इनवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछना आप कम कर दिया है लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं है तो हो सकता है थोड़ा सा ये इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो पल्लवी सिंह ने जो है मिसेज इंडिया डिवाइन 2022 का खिताब अपने नाम किया है। कानपुर की रहने वाली है ये। और इन्होंने जो है लगभग 110 देशों के पार्टिसिपेंट को हरा करके जून जुलाई के महीने में, आखिरी जून था समझो, 30 जून के आसपास इसका फाइनल हुआ था और उस फाइनल में जो है इन्होंने अब खिताब अपने नाम किया। ठीक है, तो याद रखना है पल्लवी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब अपने नाम किया। भारत में 13 एक्सप्रेस वे बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना। 13 एक्सप्रेस वे बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश, विच बिकम द फर्स्ट स्टेट टू बिल्ड 13 एक्सप्रेस वेज इन इंडिया। तो योगी आदित्यनाथ जो है उसकी अध्यक्षता में समझो कि भारत में लगभग 13 एक्सप्रेस वे बनाने वाला फर्स्ट स्टेट बन गया उत्तर प्रदेश। बोला जाता है कि कुल लगभग 3200 किलोमीटर तक का डिस्टेंस को ये कवर करेगा। ठीक है, हालांकि अभी सिर्फ इसके जो 6 जो एक्सप्रेस वे है वो मतलब इनॉग्रेट कर दिया गया है और उसको चालू कर दिया गया है और कुछ है जो अभी लगातार 1x1 धीरे धीरे जो है उसको शुरू करने की कोशिशें जारी है और अभी लेकिन फिलहाल 6 जो है चलते आ रहे हैं। ठीक है, चल रहा है मतलब काम में है, यूज हो रहा है। किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया।
तो सीबीएसई ने जो है परीक्षा संगम को लॉन्च किया, हु लॉन्च द परीक्षा संगम पोर्टल। तो परीक्षा संगम पोर्टल जो है सीबीएसई ने लॉन्च किया है, ठीक है। बेसिकली जो है परीक्षा संगम के थ्रू जो है जो स्टूडेंट है वो स्कूल में और जितने भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है उसको एक ही जगह पे उपलब्ध कराने के लिए जो है ये परीक्षा संगम पोर्टल। संगम से ही क्लियर है, संगम मतलब किसी भी जगह में मीट होना या मीटिंग होना या किसी जगह में कलेक्ट होना किसी चीज को, ठीक है। तो इसका रीजन ये है कि बहुत सारी चीजों में डिले होता था कि अलग अलग जगहों में अलग अलग चीजों को किया जाता था। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा पोर्टल है जिसमें जो है स्टूडेंट के एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस होते हैं उसको एक ही जगह में लाना इसका मेन टारगेट था, ठीक है। इसके माध्यम से रिजल्ट जो है जल्दी से रिलीज किया जा सकता है और एक इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा ऐसा माना जा सकता है। तो जो आंसर शीट है या जो रिवॉल्यूशन का जो फोटोकॉपी होता है सभी के अनुरोध पे उसको जो है इस साइट के माध्यम से देखे जा सकते हैं कि रिवॉल्यूशन कैसे होगा जितना जल्दी हो सके उसके लिए। अदरवाइज क्या है उसके लिए अगर प्रोसेस करना पड़ता था तो वो लेट होता था, जिसकी वजह से जो है इसको लॉन्च किया गया है परीक्षा संगम पोर्टल सीबीएसई के द्वारा, ठीक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 50वां अखिल सुमंग लीला महोत्सव 2021-22 कहाँ शुरू हुआ? वेयर डिड द 15th अखिल सुमंग लीला महोत्सव 2021-22 बिगिन? तो भारत का जो मणिपुर स्टेट है वहां जो है 50वें नंबर का जो है अखिल सुमंग लीला महोत्सव 2021-22 जो है आयोजित किया गया। तो देखो जो अखिल सुमंग लीला महोत्सव है ये बहुत पहले जो है राजाओं और जो रईस लोग होते थे उनको सामने जो है एक तरह का कॉमेडी शैली में, एक तरह का हास्य शैली में जो है एक वो होता था, एंटरटेनिंग जो है प्रोग्राम था समझो, ठीक है। तो वो चला आ रहा है और उसमें जो है बहुत सारे जो है नाटक किए जाते हैं, बहुत सारे प्लेस खेले जाते हैं और उसका मेन जो टारगेट होता है वो कॉमिक चीजें होती है या कॉमेडी के जरिए जो है कुछ इश्यूज को जो है उठाए जाते हैं। तो मणिपुर में जो है ये 50वें नंबर का अखिल सुमंग लीला महोत्सव 2021-22 को आयोजित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में एक विशाल दवा पार्क स्थापित किया जाएगा? इन विच स्टेट अ ह्यूज मेडिसिन पार्क विल बी सेटअप? तो मेडिसिन पार्क जो है आंध्र प्रदेश में जो है स्थापित किया जाएगा। अब ये चालू हो गया है इसको, अब ये जून के महीने में सॉरी जुलाई के महीने में जो है इसको स्टार्ट करने के बारे में बात की गई थी। अब ये जो है बनना या निर्माणाधीन या अंडर कंस्ट्रक्शन बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो है मेडिसिन पार्क बेसिकली जो है एक तरह का बोलना चाहिए कि मेडिसिन का पार्क है समझो, जहाँ अलग अलग टाइप के मेडिसिन से रिलेटेड चीजें जो है यहाँ पे रखी जाएगी या अवेलेबल होगा, ठीक है। अब पार्क का मतलब ये नहीं है कि कोई पौधा जगाया जाएगा, कहने का मतलब ये है कि एक तरह का ड्रग का हब है समझो, ठीक है, जिसमें 1,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके द्वारा जो है अलग अलग देश भर के जितने भी स्टेट हैं चाहे वो गुजरात हो हिमाचल प्रदेश हो इनके साथ में जो है इसको वो किया गया है, टाई अप किया गया है समझो। अच्छा इसको याद रखना है ना कि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज है, जो ह्यूज मेडिसिन पार्क है या दवा पार्क है ये आंध्र प्रदेश को, ज्यादा कुछ इसमें डिटेल में नहीं जाना है लेकिन बस ये याद रखना है कि कहाँ जो है इसको सेटअप किया जा रहा है। भारतीय रेलवे में किस स्टेशन पर मेघदूत मशीनें स्थापित की गई? तो मुंबई स्टेशन है जहां पर जो है रेलवे स्टेशन इंडियन रेलवे के द्वारा जो है मेघदूत मशीन जो है इंस्टॉल किया गया, ठीक है। अब मेघदूत मशीनों में जो है एयर के जरिए जो है पानी को प्रोड्यूस करने की क्षमता होगी। तो ये मेघदूत जान रहे हो, मेघदूत नाम से ही क्लियर है, मेघदूत का है मेघ का दूत,
बारिश कहाँ से होता है? बादलों से होता है, और इसीलिए जो है इसका नाम रखा गया है मेघदूत। और इसकी मदद से जो जितने भी हमारे रेल के यात्री होंगे, जो जो जितने भी रेल में यात्रा करने वाले, सफर के दौरान में अगर बीच में पानी पीने के लिए अगर जरूरत है तो वहां पर इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो खास करके साइंस को यूज करके जो है एयर से जो है पानी बनाएगा, समझो कुछ इस तरीके के यहाँ पे टेक्नोलॉजी है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर कहाँ बनेगा? वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट वैदिक प्लेनेटेरियम टेम्पल बी बिल्ट? ये बनने वाला है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है रिलीजियस मॉन्यूमेंट है, समझो, जो कि वैदिक तारामंडल या वैदिक प्लेनेटेरियम कहा जाता है, इसको पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और जो इस्कान जो वो होता है इंटरनेशनल सोसाइटी, इस्कॉन सोसाइटी, उसका जो मुख्यालय के रूप में ये काम करेगा, और ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है एक वैदिक तारामंडल है, या जिसको हम गुंबद भी कह देते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद भी होने वाला है। यहाँ पे जो गुंबद बनेगा वो दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद होने वाला है। ठीक है, तो इसमें एक तरह से बोल सकते हो कि ये वैदिक तारामंडल, खास करके जो गेस्ट आएंगे उनको ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में एक तरह का शेयर कराया जाएगा। वहां जाकर आपको जो ब्रह्मांड किस तरह से, यूनिवर्स किस तरह से क्रिएट हुआ है, कैसे बना है, उन तमाम चीजों को जो है आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ये वैदिक तारामंडल एक मंदिर के रूप में भी जो है ब्रह्मांड के नॉलेज प्रोवाइड करेगा, या ब्रह्मांड के क्रिएशन के बारे में बताया जाएगा इसमें। ठीक है, महाराष्ट्र के किस शहर में दिव्यांग पार्क का उद्घाटन किया गया? तो महाराष्ट्र के नागपुर में जो है रिसेंटली जुलाई में जो है दिव्यांग पार्क जो है स्थापित किया गया और उसका इनॉग्रेशन किया गया। ठीक है, ये जो है 2022 में बनकर तैयार हुआ है, और इससे बेसिकली जो है जो भीड़ भाड़ वाले जो शहर में होते हैं वहां पर जो है आप ये बोल सकते हो कि जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए एक तरह का पार्क है, समझो, और वहां पर जो है हरियाली और अन्य सुविधाओं का जो है वो आनंद ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दिव्यांग पार्क उन्हीं के लिए ही, स्पेशली दिव्यांगों के लिए। ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर में ये बनाया गया है। ठीक है, भारत सरकार ने किस केमिकल कंपाउंड के उपयोग को प्रतिबंधित किया? द यूज ऑफ विच केमिकल कंपाउंड हैज बीन बैंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो एक केमिकल कंपाउंड है जिसको हम ग्लाइफोसेट कहते हैं। तो ये बेसिकली जो है इसको ग्लाइफोसेट को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया गया। तो इसको जो है हम हर्बिसाइड के रूप में यूज करते हैं, जो कि हर्बिसाइड कहने का मतलब ये जो खरपतवार होता है ना, खरपतवार को नाश करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक तरह से बोल सकते हैं इसको हर्बिसाइड बोलते हैं इसको। जो खरपतवार नाशक, इसको लगभग 40 सालों से जो है किसान जो है यूज करते आ रहे थे खरपतवार को नाश करने के लिए, खरपतवार को खत्म करने के लिए। ठीक है, बाद में जो है इसके अलग अलग जो है एनवायरमेंटल जो साइड इफेक्ट्स है उसको देखा गया है, और अब जो है ये बोला जा रहा है कि बहुत सारे जो है इसमें एनवायरमेंट को खतरा है, बहुत सारे चीजें हैं जो कि जमीन के लिए खतरा है, इसलिए जो है इसको गवर्नमेंट ने अब जो है इसको बैन कर दिया गया है, और किसान जो है अब इसका प्रयोग नहीं कर सकते ग्लाइफोसेट का। तो याद रखना है ग्लाइफोसेट एक हर्बिसाइड है जिसका यूज किसानों के द्वारा पिछले 40 सालों से किया जा रहा था, अब इसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर किस राज्य के ममलूह गुफा यूनेस्को में शामिल होने वाली पहली विरासत साइट बनी? विच स्टेट्स ममलूह के बिकम द फर्स्ट हेरिटेज साइट टू बी इंक्लूडेड इन यूनेस्को? हालांकि इसमें आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछना चाहिए था
included in IUGS अंडर यूनेस्को, ऐसे करके बोलना चाहिए। बेसिकली इस शब्द को याद रखना है IUGS, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस, इसको बोल सकते हो, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस, ठीक है। तो एक ये जो है हेरिटेज साइट को यूज करने, हेरिटेज साइट को जो है कंजर्व करने के लिए जो है यूनेस्को ने जो है एक प्रोग्राम या एक स्कीम लॉन्च किया है, जिसके अंदर अंदर में लगभग 100 हेरिटेज साइट्स को जो है, और खास करके उसमें जियोलॉजिकल साइंस से डिपेंडेंट या जियोलॉजिकल बेस्ड जो हेरिटेज साइट्स हैं उनको जो है कंजर्व या प्रिजर्व करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसके तहत जो है भारत का जो मेघालय में एक गुफा है, मामलुह केव कहा जाता है, ठीक है, मामलुह केव, इसको जो है इसी 100 के अंडर में एक में शामिल किया गया है। मतलब दुनिया के 100 साइट्स में से एक कौन सा साइट बनेगा, मामलुह गुफा, और ये भारत का फर्स्ट साइट है जिसको यूनेस्को ने अपने IUGS स्कीम के तहत शामिल किया है 100 साइट्स में से, ठीक है। अब ये कैसा साइट है, ये एक जियोलॉजिकल साइट है, ये जो मामलुह गुफा है एक जियोलॉजिकल साइट है और ये मेघालय स्टेट में पड़ता है, ठीक है। ओके, एक बुक है लॉन्च पुस्तक लता, अ लाइफ इन म्यूजिक के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक लता अ लाइफ इन म्यूजिक। तो लता मंगेशकर के ऊपर बेस्ड ये बुक है और इसको लिखा है यतिंद्र मिश्र जी ने। ठीक है, इसको जो है बेसिकली इसको बोलना चाहिए कि पहले इसका जो रियल जो वर्जन है, इसका मूल जो रूप है वो हिंदी में लिखा गया है और उसका नाम था लता सुरगाथा। तो इसको लिखा किसने, यतिंद्र मिश्र ने। बाद में जो है इस बुक को ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, जो अनुवादक है ईरा पांडे उनके द्वारा। ठीक है, इन्होंने जो है इसका नाम रखा लता अ लाइफ इन म्यूजिक। इस बुक का देखो दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर जो है ईरा पांडे ऑप्शन में नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखना है, ऑथर पूछेगा तो ऑथर में यतिंद्र मिश्रा का ही नाम आएगा, ट्रांसलेटर में नाम आएगा ईरा पांडे, लेकिन ऑथर किसके हैं, यतिंद्र मिश्र बेसिकली लता सुरगाथा के ऑथर है, और ट्रांसलेटर कौन है, लता अ लाइफ इन म्यूजिक के ईरा पांडे जी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा। ओके, तो इसका आंसर है 40th रैंक में जो है भारत रहा। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। तो यहाँ पर जो है भारत जो है 40वें स्थान पर रहा, हालांकि इसके पहले जो है भारत 2021 में भी 40वें स्थान पर ही रहा था, और इस बार अगर हम बात करें फर्स्ट रैंक पे तो स्विट्जरलैंड जो है भारत में स्विट्जरलैंड इस इंडेक्स में जो है फर्स्ट रैंक में रहा। और सेकेंड रैंक में अमेरिका, यूएसए। 40th रैंक में कौन है अपना, इंडिया। ठीक है, अब ये होता क्या है, बेसिकली जो है द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एक एनुअल रैंकिंग होता है जो अलग अलग कंट्रीज को इसमें उनके कैपेसिटी और उनके जो इनोवेशन की क्या कैपेसिटी है, इनोवेशन का मतलब है कुछ ऐसा चीज बनाना जो कि अमूमन जो है हमारे नेचर में या बोलना चाहिए हमारे रेगुलर बिहेवियर में नहीं होता, कुछ ऐसा चीज जो बिल्कुल नया हो, कुछ अलग तरह का आइडिया हो, तो उसको हम इनोवेशन बोलते हैं, या इनोवेट करके कुछ नई चीजें, कुछ नए टेक्निक्स जो है इन्वॉल्व, नई टेक्निक जो है
इवॉल्व करना, ठीक है। तो इस केस में, इनोवेशन वाले केस में, एक इंडेक्स जारी करता है जो कि 2007 से इसको जो है जारी किया जा रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोला जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म हाफ शॉर्टकट में बोला जाता है वीपो। इसके द्वारा जो है इसको, इस रैंकिंग को जारी किया जाता है या इस इंडेक्स को जो है जारी किया जाता है, किसके द्वारा? विपो के द्वारा। विपो का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो विपो के द्वारा हर साल एक इंडेक्स जारी किया जाता है जिसमें यह देखा जाता है कि किसी भी कंट्री के पास इनोवेशन की क्या कैपेसिटी है, इनोवेशन कितना सक्सेसफुल किया गया है, और उनके बेस पे जो है हर देश को जो है ये रैंक दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है भारत 40वें रैंक में है और स्विट्जरलैंड जो है फर्स्ट रैंक में। एएसआई ने किस राज्य के बांधवगढ़ में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की? अब जो है बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर तो मध्य प्रदेश ही होगा। तो देखो यहाँ पर जो है जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसने जो है इसको खोजा है 20 बौद्ध गुफाओं के, मतलब बौद्ध कालीन जो है, बौद्ध टाइम में जो है अलग अलग गुफाएं या केव्स बनाए गए हैं और उन केव्स को जो है खोज की है, जिसमें से 20 केव्स जो है बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में जो है मिला है। ठीक है, तो इसको मध्य प्रदेश इसका आंसर है। हालांकि इसमें देखो जो सर्वे हुआ है उसके हिसाब से बहुत सारे प्राचीन मंदिरों के अवशेष हैं, बहुत सारे स्क्रिप्ट पाए गए हैं जो कि प्राचीन मंदिरों के बारे में बताते हैं। लगभग 26 गुफाओं की खोज की गई है, लेकिन उसमें से 20 गुफाएं जो है आपके मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ एरिया में आते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर 26 गुफाओं की, 26 जो केव्स हैं उनकी गुफाओं की खोज की गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी घोषित की गई है? अब ये जो है रिसेंटली बहुत न्यूज में था, आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, बताओ कौन सा है? उत्तर प्रदेश विच वॉज डिक्लेयर्ड द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। कौन सी ऐसी नदी है जो सबसे प्रदूषित नदी बन चुकी है वर्तमान में देखा जाए तो, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की नदी कहलाती है। चलो ठीक है, जयराज ने सही आंसर दिया, करेक्ट है। हिंडन जो नदी है, गंगा नदी तो है ही, उसी कगार पे है, बहुत प्रदूषित हो चुकी है, लेकिन मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर में उत्तर प्रदेश में बहने वाली एक ऐसी नदी है जिसका नाम है हिंडन नदी। ठीक है, अब इसमें सर्वे में तो ये बोला गया है कि अब जो नदी है वो लगभग डेड होने वाला है, मतलब मरने वाली नदी में इसका काउंट होगा। बहुत सारी नदियां हैं भारत में जो अपडेट हो चुकी हैं, जिसका अब नामो निशान तक नहीं है, तो इतनी प्रदूषित हो गई है, इतनी पॉल्यूटेड हो चुकी है हिंडन नदी कि अब वो मरने के कगार पे है। और ये कहा जा रहा है कि इसमें जो जीव है, मतलब हिंडन नदी में जो जीव अभी भी जीवित है, उनका जीवित रहना अब लगभग इम्पॉसिबल है, तो वो बहुत जल्दी अपना जीवन खत्म हो सकता है उनका। और ये नदी जो है अब उत्तर प्रदेश का मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है। अब वही बात है कि गवर्नमेंट इसको बचाने के लिए क्या क्या तरकीबें करती है, वो डिपेंड करता है कि आगे इसका फ्यूचर क्या होगा। फिलहाल यही है कि मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है। भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पुरी में जो है भारत का जो सेकेंड जो है नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल है उसका इनॉग्रेशन किया गया, जो कि पुरी में किया गया। ठीक है, अब जो ये जो आदर्श वैदिक विश्वविद्यालय के अंडर में इसको लाया गया है, और बोलना चाहिए कि ये एक ऐसा वैदिक या मॉडल वैदिक स्कूल होगा
जहां पर संस्कृत भाषा से रिलेटेड ज्यादातर जो वेद है या वैदिक जो ग्रंथ है उनका वो किया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ संस्कृत ग्रंथ, मतलब कि हमारे जो पुराने जो टेक्स्ट हैं उनके बारे में और जो मॉडर्न जो एजुकेशन है उसके बारे में दोनों तरह की यहाँ पे शिक्षा जो है प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर निःशुल्क रूप में हॉस्टल है और यहाँ का जो भी एजुकेशन है वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी तरह का फीस नहीं लगना है। तो अच्छा, एक चीज और याद रखना है कि ये पहला, ये क्योंकि सेकंड है ना, तो फर्स्ट भी याद रख लेना। जो फर्स्ट इस तरह का नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो है बनाया गया था। ठीक, तो अब ये भारत का सेकंड है पुरी में नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल। ओके, नेक्स्ट है, किसने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता? हु ओन द टाइटल ऑफ अल्ट्रामैन इंडिया? इसका आंसर है कर्नल स्वरूप सिंह। कर्नल स्वरूप सिंह अल्ट्रामैन ऑफ इंडिया का खिताब जीता है। अब देखो, अल्ट्रामैन ऑफ इंडिया, अल्ट्रामैन इंडिया या अल्ट्रामैन ऑफ इंडिया भी कह दिया जाता है, ये एक तरह का ऐसा खिताब है जिसमें आप बोल सकते हो कि ट्रायथलॉन के बेस्ड पे ये खिताब दिया जाता है। तो मैराथन आप लोगों ने सुना होगा, तो ट्रायथलॉन क्या होता है कि एक तरह का टफेस्ट गेम या इवेंट माना जाता है पूरी दुनिया में, जिसमें 10 किलोमीटर स्विमिंग का होता है। इसके अलावा लगभग लगभग जो है साइकिलिंग होता है, बोला जाता है कि साइकिलिंग कितना यार 424 किलोमीटर होता है बोलते हैं, 424 किलोमीटर, पता नहीं कैसे लोग इतना साइकिल चलाते हैं, ये होता है 424। और 184 किलोमीटर रनिंग, नहीं यार गलत है ये, ऐसा नहीं हो सकता। 10 किलोमीटर स्विमिंग, 42 किलोमीटर साइकिलिंग और 18 किलोमीटर जो है रनिंग। ठीक है, ऐसा होना चाहिए लेकिन ये मैं अंदाजा लगा रहा हूं। चलो, अगर ये वाकई में 424 और 184 किलोमीटर रनिंग होता होगा तो इसको मैं बता दूंगा। हालांकि इसको ऐसे ही लिख लो यार, क्योंकि मैंने जहां पे पढ़ा था ना ये ऐसा ही था, लेकिन ये कंफर्म है या नहीं है मैं एक बार कंफर्म करके आप लोग को बता दूंगा। लेकिन बोला जाता है कि इसमें 10 किलोमीटर स्विमिंग था, स्विमिंग रहता है, 424 किलोमीटर इसमें साइकिलिंग होता है और 184 किलोमीटर रनिंग होता है। और इसमें बोला जाता है कि अलग अलग दिनों में, जैसे पहले दिन में 10 किलोमीटर तैरना होता है, 148 किलोमीटर साइकिल चलाना होता है और 276 किलोमीटर जो है साइकिलिंग किया जाता है, और तीसरे दिन जो है डबल मैराथन में 24 किलोमीटर रनिंग होती है, ऐसा करके बोला जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, इतना ज्यादा कौन हो गया। जो तीनों सेक्शन में जो है जीत जाता है उसको अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब दिया जाता है। ठीक है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, ये जो डेटा है ये मुझे कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहा है, तो मैं इसको एक बार कंफर्म करके आप लोग को ना ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से आप लोग एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना। चलो फिलहाल तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो इसी में अटक जाएंगे। तो याद रखना है, भारत में वर्तमान में अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब किसको मिला है? कर्नल स्वरूप सिंह को मिला है। ट्रायथलॉन होता है जिसमें स्विमिंग होता है, साइकिलिंग होता है, रनिंग होता है, और तीनों को जो है इसको करने के बाद में जो है जो जीत जाता है उसको अल्ट्रामैन इंडिया बोला जाता है। इसीलिए इसको दुनिया का सबसे टफेस्ट इवेंट बोला जाता है किसी भी तरह का इवेंट में, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा जो है रनिंग साइकिलिंग और स्विमिंग जो है करना लगभग हम जैसे लोगों के लिए तो इम्पॉसिबल है, जो कर लेता है वो अल्ट्रामैन ऑफ इंडिया कहलाएगा। ठीक है, चलो, किस राज्य ने पहली बार महिला पीएससी बटालियन का गठन किया? उत्तर प्रदेश ने इस बार जो है पहला जो है ऐसा बोलना चाहिए कि जो महिला पीएससी बटालियन है उसका गठन किया है उत्तर प्रदेश ने। तो बेसिकली जो है एक ऐसा बटालियन है जिसमें महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो होता है, और इसको जो है जो पीएससी होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन है पीएससी, उसके थ्रू जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, या बोलना चाहिए उसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। पीएससी का फुल फॉर्म होता है प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी।
ठीक है, तो पीएससी बटालियन, और ये स्पेशली जो है महिलाओं के लिए ये बटालियन बनाया गया है, जिसमें इस फॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ जो है महिलाएं जो है पार्टिसिपेट करेंगी, ये महिलाएं जो जवान है वो जो है इसमें रहेंगे इस बटालियन में। तो इस तरह का बटालियन पहली बार समझो बनाया गया है पीएससी के द्वारा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना है, इसमें तीन अलग अलग तरह का जो है बटालियन फॉर्मेशन किया गया है। तो एक बटालियन का नाम रखा गया है रानी अवंतीबाई लोधी बटालियन, दूसरे बटालियन का नाम रखा गया है उदय देवी बटालियन, और तीसरे बटालियन का नाम रखा गया है झलकारी बाई बटालियन, ठीक है। अब ये तीनों जो है भारत के जो है एक तरह से महिलाओं में जो है क्रांतिकारी महिलाएं रही हैं और वीरांगनाएं रही हैं, उनके नाम पे जो है इन तीनों बटालियन का नाम रखा गया है, रानी अवंतीबाई लोधी, उदय देवी और झलकारी बाई बटालियन का नाम रखा गया है। तो ये फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में जो है अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाली ये वीरांगनाएं थी, रानी अवंतीबाई, उदय देवी और झलकारी बाई। दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश कौन बना? तो इस बार जो है दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश भारत बना है, चीन को हरा करके या चीन को पीछे छोड़ करके। तो चीनी उत्पादक बन गया है 2022 का सबसे ज्यादा उत्पादित करने वाला भारत, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तीसरा सुल्तान ऑफ जौहर कप किसने जीता? हु वन द थर्ड सुल्तान ऑफ जौहर कप? ए हॉकी से रिलेटेड एक अंडर 21 जो है एक कप होता है हॉकी से रिलेटेड, एक प्रतिष्ठित कप है जिसको इस बार जो है भारत ने तीसरी बार थर्ड टाइटल इन्होंने जीता है, भारत का ये तीसरा टाइटल है सुल्तान ऑफ जौहर कप। तो ये अंडर 19 एक तरह का बोलना चाहिए कि इवेंट होता है हॉकी से रिलेटेड, और इसके पहले जो है भारत ने जो है 2013 और 2014 में भी इसको जीता था, और अब जो है 2022 में भी इसको जीता है। तो ये थर्ड टाइटल है भारत के हॉकी टीम के लिए, ठीक है, लेकिन अंडर 21 वाला ये वो है। इसके अलावा भारत जो है फाइनलिस्ट भी रहा था इसके, चार बार जो है अलग अलग साल में जो है ये फाइनलिस्ट भी रहा, मतलब कि रनर अप